प्रदेश की जनता को अब बिजली का झटका लगने वाला है। जी हां, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं, जिसके तहत अब तकरीबन 7% दरें बढ़ा दी गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों ने करंट का जोरदार झटका दिया है। गुरुवार देर रात मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत टैरिफ में प्रदेश में बिजली के दामों में 5-7% की वृद्धि कर दी गई है, जबकि ये नई दरें 17 अगस्त से लागू होंगी। आपको बता दें कि अभी बिजली यूनिट के 4 स्लैब हैं, इस बार 51-100 यूनिट के स्थान पर 51-150 यूनिट तक का नया स्लैब जोड़ा गया है। यदि सभी स्लैब की नई दरों की वर्तमान दरों से तुलना करें तो प्रति स्लैब 20-30 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ गए हैं। वहीं बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बीते 15 सालों में जो परिस्थितियां रही हैं यह उसका परिणाम है। पिछले दिनों देखा गया था कि ट्रांसफार्मर लाइन सब फेल हो रही थी। मंत्री ने कहा कि नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों को तय किया है। बिजली कंपनियों ने राज्य नियामक आयोग से 12% वृद्धि की मांग की थी, लेकिन आयोग ने अधिकतम 7% दरें बढ़ाने को ही मंजूरी दी है। जितनी बिजली कंपनियां हैं ये सब इंडिपेंडेंट है, जितनी बिजली कंपनियां हैं सब इंडिपेंडेंट है, और मध्य प्रदेश में नियामक आयोग बना है जो इंडिपेंडेंट संस्था है। नियामक आयोग बिजली कंपनियों की जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है उनके डिमांड के हिसाब से बिजली की वृद्धि रेट तय करता है नियामक आयोग। बिजली कंपनियों ने 12% बढ़ाने की बात कही थी, 12% से ऊपर, लेकिन नियामक आयोग ने उसके बावजूद केवल 7% के वृद्धि की है, और वो भी इसलिए कि पिछले 15 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनके समय बिजली विभाग इन्होंने तहस नहस कर दिया। ट्रांसफार्मर, बीपी लाइन सब में लंबे भ्रष्टाचार हुए और आए दिन जो बिजली जाती थी उसकी वजह भी यही थी। इन सब का सुधार बिजली कंपनियों का कहना है करना है, इसलिए उनको इस तरह के स्टेप उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बिजली दर में 12.3% बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 7% की बढ़ोतरी स्वीकार की है। बहरहाल प्रदेश की जनता को अब बढ़े हुए दामों का झटका लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।